तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल प्रियंका गांधी, राहुल गांधी को पुलिस ने रोका है। आज वो मेरठ जाना चाहते थे तो उससे पहले ही पुलिस ने रोक लिया इनके काफिले को। ये ताजा तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, मेरठ जाने से प्रियंका और राहुल को रोका गया है। यहाँ आपको बता दें, मेरठ में भी जो CAA का विरोध था वो लगातार जारी था। यहाँ पर भी हिंसा हुई, 5 लोगों की यहाँ पर मौत हुई है। उनसे मिलने के लिए प्रमोद तिवारी इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, वरिष्ठ नेता कांग्रेस के। तो इस काफिले को रोका गया है। तो बिजनौर जिस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा गई थी, वहां पर वो परिवार से मिली थी, आहत था परिवार, सांत्वना दी थी, लेकिन चलिए इसी खबर पर हमारे संवाददाता मनव्वर चौहान इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। मनव्वर, आपसे जानना चाहेंगे, ये काफिला रोका गया, तस्वीर हम देख पा रहे हैं, कहां की ये तस्वीरें, कहां काफिले को रोका गया? देखिए कुलदीप, आज दिल्ली से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों ही मेरठ में हिंसा में मारे गए। 5 लोगों के परिवारों से मिलने के लिए आ रहे थे, लेकिन मेरठ की सीमा में जैसे ही प्रतापपुर में इनका काफिला घुसा, वैसे ही पुलिस ने प्रतापपुर में इनके काफिलों को रोक लिया और कोई सिक्योरिटी का इश्यू बताकर इन लोगों को वापस किया गया है। हालांकि इनके आने की सूचना से मेरठ में पूरी तरह से अलर्ट घोषित हो गया था, पुलिस प्रशासन एक्टिव हो गया था और तमाम जो पब्लिक है वो ब्रह्मपुरी इलाके में इकट्ठा हो गई थी, क्योंकि कांग्रेस के नेता भी यहाँ जुटे हैं, पूरी मीडिया यहाँ पर जुटी है। ऐसे में माहौल ये था कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी आएंगे और जो पीड़ित परिवार है, जो मृतक के परिजन है, उनको दिलासा देंगे, उनसे मिलेंगे। बता दें आपको, इनसे पहले भी पश्चिम उत्तर प्रदेश के बेंगलोर में प्रियंका गांधी जा चुकी है, वहां पर परिजनों से मिल चुके हैं और कहीं ना कहीं सरकार पे सीधा निशाना साध चुके हैं। और अब यहाँ पर जैसे सूचना मिली है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को वापस कर दिया गया, वैसे कांग्रेस के नेताओं में गुस्सा फैल गया है और इन्होंने यहाँ पर इस तरह से बयानबाजी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया है, इन्होंने कहा है कि मजलूमों को सताया जा रहा है, निर्दोषों को फंसाया जा रहा है और मृतकों को बलवाई बताया जा रहा है, यानी कि इस तरह की बयानबाजी यहाँ की जा रही है। हालांकि 844 अभी भी मेरठ में लगी हुई है, लेकिन अभी तक भी जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, शासन के लोगों, ये मानने के लिए तैयार नहीं है। जो लोग बलवे मारे गए हैं वो दंगाई बताते हैं उनको, वो ये मानने के तैयार नहीं है कि पीड़ित थे, उनको मुआवजे की मांग लगातार की जा रही थी। लेकिन अब जैसे ही प्रियंका, राहुल गांधी का जो दौरा था वो वापस उनको कर दिया गया है, लेकिन देखना होगा इससे क्या राजनीति कर लेती है, क्योंकि कांग्रेस पूरी तरह से अग्रसर हो गई है और भारतीय जनता पार्टी को हर मोर्चे पर घेरने की कोशिश कर रही है। हालांकि इस पूरी मोर्चेबंदी में सपा भी साथ में है, समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ इकट्ठा है, लोकल के लोग यहाँ इकट्ठा है और पूरी तरह से एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि प्रदेश में इस वक्त जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, जो ने हिंसा की है उसको जेल में डाल दिया जाए, लेकिन जो निर्दोष है, निर्दोष है उसको छोड़ा जाए और जो मृतक है, जिसके मरे हैं उनके परिजनों को मुआवजा दिया जाए। मनव्वर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, दरअसल क्या दलील देकर पुलिस ने रोका है, माहौल इस वक्त क्या है, क्या वाकई माहौल अंडर कंट्रोल है, क्योंकि धारा 144 लागू है? देखिए कुलदीप, धारा 144 लागू है और इस समय शहर का माहौल बिल्कुल शांतिपूर्ण तनाव बना हुआ है और शायद यही वजह है कि कोई सिक्योरिटी इश्यू को लेकर के पुलिस ने उनको रोका है, हालांकि वो वापस चले गए हैं, लेकिन अभी भी कोई वक्तव्य कांग्रेस के नेताओं का नहीं आया है इस मुद्दे पर। हालांकि सरकारों को घेरने की बात की जा रही है, लेकिन ये तक नहीं बताया गया है कि पुलिस के माध्यम से भी या कांग्रेस के नेताओं के माध्यम से भी आखिर ऐसे क्या वजह रही कि दिल्ली से मेरठ प्रतापपुर तक आ गए और उसके बाद वापस क्या चल उठ रहे। अब ये वक्तव्य हो सकता है दिल्ली में जाकर होते हैं क्या वजह रही होगी, लेकिन यहाँ माना यह जा रहा है कि कोई सिक्योरिटी इश्यू हो सकता है, क्योंकि मेरठ में माहौल तनावपूर्ण शांति वाला है, जगह जगह पुलिस बल तैनात किया गया है और धारा 144 लगी हुई है, क्योंकि तमाम जो लोग हैं इकट्ठा हो चुके हैं। ऐसे में हालांकि अभी पुलिस का कोई भी अधिकारी यहाँ नहीं पहुंचा है, अब इसके पीछे क्या कुछ निकल कर आता है वो भी केवल देखने वाली बात होगी। और ये भी माना जाए मनव्वर कि पूरा जो फोकस है कांग्रेस का उत्तर प्रदेश पर है, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि उनकी जो करवट बदलेगी राजनीति वो उत्तर प्रदेश से ही बदल सकती है, क्योंकि किसी भी गांधी परिवार के सदस्य ने ना बंगाल का दौरा किया है ना आसाम का दौरा किया है। देखिए ये तो जाहिर है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश की गलियों से होकर निकलता है, ये जब जाहिर है। हालांकि दिल्ली में भी 2 बार कांग्रेस जो प्रियंका गांधी है वो धरने पर बैठ चुकी है 2-2 घंटे के लिए, उसके बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश से खासकर बिजनौर और मेरठ में दौरा कर चुकी है, करने आ रही थी आज बिजनौर में कर चुकी है और जाहिर की बात है पश्चिम उत्तर प्रदेश का सिल माना जाता है और यहाँ से जो भी लहर चलती है वो पूरे प्रदेश में चलती है और यहाँ फिलहाल जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है उसे की कहीं ना कहीं कांग्रेस इंडायरेक्ट वे में कोशिश कर रही है, क्योंकि यहाँ कांग्रेस की जमीन खो चुकी है और जमीन को तलाश करने की कोशिश में कांग्रेस जुटी हुई है। सपा बसपा क्षेत्रीय दलों ने यहाँ पर अपना
के वजूद बनाया था उस वजूद को भी खत्म करने की कांग्रेस कोशिश कर रही है। लेकिन चूंकि 2022 में चुनाव होने हैं विधानसभा के, उससे पहले ही तमाम पार्टियां भूमिका बना रही है। उधर दिल्ली में भी हालात है, दिल्ली में चूंकि चुनाव होने वाले हैं तो प्रियंका गांधी वहां दो बार धरने पर बैठ चुकी है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में ये दौरे हैं, आपने कहा पश्चिम बंगाल या फिर अन्य राज्यों में अभी तक की कांग्रेस का कोई बड़ा नेता प्रियंका गांधी राहुल गांधी नहीं गए हैं। ये साफ जाहिर होता है कि उत्तर प्रदेश की गलियों से दिल्ली के रास्ते को तय करने के लिए जो कांग्रेस के गांधी परिवार के नेता है वो पुरजोर कोशिश में लगे हुए हैं। और मनोहर जरा उत्तर प्रदेश की अब थोड़ी सियासत भी हमें समझाइए, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी ज्यादा एक्टिव हैं, वो हिंसा में जो पीड़ित हैं या जिनकी मौत हुई है उनकी घरों में पहुंच रहे हैं, सांत्वना दे रही हैं, लेकिन वहीं समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी ज्यादा मुखर होकर सड़कों पर नहीं आ रही। अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं और आज उनका उन्नाव का दौरा है जहां वो बलात्कार पीड़िता से मिलने जा रहे हैं। दूसरी तरफ बीएसपी की अगर बात कर ली जाए, बहुजन समाज पार्टी की, तो लगातार वो ट्वीट तो कर रही हैं, वो पुलिस प्रशासन पर सवाल भी खड़े कर रही हैं, लेकिन हिदायत भी दे रही हैं उपद्रवियों को कि कानून को अपने हाथ में ना ले, वो सड़कों पर नहीं आ रही हैं। तो किस तरीके की ये सियासत देखी जाए? देखिए कुलदीप, ये सबको मालूम है कि लखनऊ में बैठी मायावती ने बहुजन समाज पार्टी के पूरे एक हमले को लेकर के कहा है कि वो एनआरसी के समर्थन में है, एनआरसी आना चाहिए। लेकिन इस पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया और यहाँ तक शिवसेना के जो उद्धव ठाकरे हैं उन्होंने कहा कि ये एक तरह से कामयाबी हुआ, वो जलियांवाला बाग जैसी स्थिति रही है, यानी कि वो भी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को घेरने में लगे हैं। और अब उत्तर प्रदेश, थैंक यू सो मच। क्या कर रहे हो यार? हाँ दीदी, मैं जा रहा हूँ। गाड़ी अपनी अपनी गाड़ी में, अपनी गाड़ी में। अबे गाड़ी अपनी मंगाना है यार, इसको रोक के घर से अपनी गाड़ी में। मुनव्वर चौहान इस वक्त हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मुनव्वर, अब जो ताजा तस्वीरें हम देख रहे हैं, क्या वही ताजा तस्वीरें, उसमें पुलिस वाले रोकने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ऐसा लगने रहा कि जो कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता हैं, प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, वो रुकने को तैयार हैं, गाड़ी आगे धीरे धीरे सरकती हुई नजर आई? देखिए बिल्कुल सबको मालूम है कि जो पुलिस है, पुलिस ने कहीं ना कहीं जबरन इनको रोका है, ये रुकने के मूड में नहीं थे, आने के मूड में थे। और प्रतापपुर इलाके में सीमा में जैसे घुसे हैं वहाँ के जो एसएसपी हैं वो कह रहे हैं कि अपनी स्वयं की इच्छा से वापस गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मीडिया को अलर्ट किया गया था, मीडिया को बताया गया था, पुलिस को अलर्ट किया गया था, पुलिस को मालूम था, पुलिस ने पहले ही फील्डिंग लगाई और पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को जबरन रोककर वापस भेजा है। हालांकि सिक्योरिटी की बात इसलिए की जा रही है जिससे कि कोई सवाल ना खड़े करे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। और प्रियंका गांधी एक तेज सरार नेता है, इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं दिल्ली जाकर वो बताएंगी कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में जैसे उन्होंने एंट्री की, किस तरह से मेरठ का प्रशासन डर गया, मेरठ के प्रशासन ने उनको वापस किया, हो सकता है वो बातें निकल कर आए। हालांकि ये सब बातें कभी निकल कर आएंगी कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दिल्ली पहुंचते हैं। आज बीच में कहीं भी मीडिया को बताया कि वास्तव में हुआ क्या था, हालांकि पुलिस बताने के लिए तैयार नहीं है और किसी स्थानीय नेता से संपर्क नहीं हो पाया है। जो स्थानीय नेता है लगातार प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और उनके आसपास जो बैठे लोग हैं उनको कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और बातचीत अभी शायद नहीं हो पाई है, नहीं तो ये तमाम जो लोग हैं यहाँ मीडिया को बता देते क्या पूरा इशू रहा होगा। अच्छा मनोहर, ये भी बताइए कि पूरा ये प्रोग्राम क्या था? प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जो जा रहे हैं किसी एक परिवार से मिलने जा रहे थे, क्योंकि पांच लोगों की मौत हुई है, तो क्या पांचों परिवारों से मिलने वो जा रहे थे, एक ही जगह जाना था या अलग अलग उनका कार्यक्रम था? देखिए कुलदीप, मेरठ के अंदर तीन थाना क्षेत्रों में, मेरठ का थाना ब्रह्मपुरी, मेरठ का थाना लुसाड़ी गेट और नौचंदी, नौचंदी में दो लोगों की मौत हुई है जबकि ब्रह्मपुरी में एक बंदे की मौत हुई है और लुसाड़ी गेट में दो लोगों की मौत हुई है। तो लिसाड़ी के तो चूंकि ब्रह्मपुरी आसपास है तो ब्रह्मपुरी के जो दो पीड़ित परिवार थे वो जो लिसाड़ी के थे वो पूरी पीड़ित परिवार थे, उनको ब्रह्मपुरी में वहीं पर बुला लिया गया था जहां पर एक पीड़ित का परिवार था, यानी कि तीन जो मृतक थे उनके परिजन ब्रह्मपुरी इलाके में आ चुके थे, उन्हीं से मिलने के लिए आ रही थी, जिसके बाद इनका दौरा नौचंदी इलाके में होता। ऐसे में पूरे शहर में कहीं ना कहीं अफरा तफरी मची रहती, भारी संख्या में लोग मौजूद रहते और इसी को देखते हुए हो सकता है उनको वापस किया गया, क्योंकि पांच मृत्यु हुई है, एक बड़ी बात है, गंभीर सवाल है और इन सवालों को पूछने वाला भी शायद कोई नहीं है, इसलिए विपक्ष ने पूरी कोशिश की है कि इन सवालों को उठाया जाए, क्योंकि प्रशासन और शासन इन मौतों को कुछ नहीं मान रहा है, इन मौतों को केवल
दंगल मानते हुए इस पूरी फाइल को बंद कर दिया है, जबकि स्थानीय जो लोग हैं वो बात कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं कि इस पूरे प्रकरण में पुलिस पर मुकदमा दर्ज किया जाए और बकायदा इसकी जांच कर दोषी पुलिसकर्मियों को सजा दिलाई जाए और इन लोगों को मुआवजा दिलाई जाए। लेकिन पांच लोगों के परिवारों से मिलने के लिए प्रियंका गांधी आ रही थी, तीन एक जगह और दो एक जगह, लेकिन उससे पहले ही पूरा प्रोग्राम प्रशासन ने विफल कर दिया और अब ये क्या किस तरह के करवट लेगा, किस तरह की राजनीति को जन्म देगा, ये जो है कुलदीप देखने वाली बात हो। चलिए बहुत शुक्रिया मनोवर चौहान इस पूरी जानकारी के लिए आपका।